मुझे लगता है कि इस चीज के लिए तो भगत सिंह ने शहादत नहीं दी थी, ये तो गांधी का सपना नहीं है कि लोगों को बेहतर शिक्षा, आवास मिले, साफ पानी मिले। वहाँ हमारी सरकार जो है बुलडोजर के रूप में प्रतीक बन गई है। जो उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में होता है वो चुनाव जीतने के बाद लागू क्यों नहीं होता? तो आप गरीब होने का नाटक कीजिए, लेकिन आप गरीबों के हमदर्द तो नहीं है। आप हमदर्द हैं अडानी के, अंबानी के। वो चुनाव में वोट तो ये कह करके नहीं माना जाता कि हम आपकी झुग्गी उजाड़ करके मॉल बना देंगे। तो शायद आज यहाँ पर इतने सारे बेघर लोग इकट्ठा नहीं हो रहे होते, तो ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये खुद अपने आप में इनकी मौजूदगी ही इस बात का जवाब है कि आपके आवास योजना सिर्फ कोरी बयानबाजी है। जो राशन देने की बात की जा रही है, कि सवाल हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप इनके नाम पर राशन कार्ड इशू कर रहे हैं। राशन भी आज के समय में लोगों को बहुत बेहतर जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो उनके उसी पहचान पत्र, उनके उसी आवास पत्र पर मिल रहा है। तो आप जब उनकी झुग्गियों को इल्लीगल कह रहे हैं, तब तो आपकी अपनी पूरी पॉलिसी इल्लीगल है। उस पर ये जो गरीब मेहनत कश लोग हैं, जो कि अपना पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, राशन से लेकर के पानी से लेकर के बिजली से लेकर के तमाम चीजों को पे कर रहे हैं, इनकी क्या गलती है? हमारा ये सवाल है कि इनकी क्या गलती है जो इनको इस तरीके से उजाला जा रहा है। लेकिन मोदी जी का तो नारा रहा कि 2022 तक हर घर में छत होगी, उस वादे का क्या हुआ? देखिए 2022 तो अब बीतने जा रहा है, हर घर को छत तो नहीं मिला, लेकिन कई सारे घरों से छत छिन जरूर है। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हर जहां झुग्गी वहां मकान या हर किसी को घर देंगे, तो उनका ये वादा भी उसी तरीके से मुझे लगता है कि झूठा है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हर घर पे वो झंडा लगवा रहे थे, फ्लैग लगवा रहे थे, क्या वजह है? घर तो है नहीं लोगों के पास, कहाँ झंडा लगाएंगे? यही सवाल तो है हमारा कि आप जब देशभक्ति का पैमाना इस बात से तय कर रहे हैं कि हर घर पर तिरंगा लड़े, तब देश की आजादी के 75 साल बाद आज ये विडंबना है कि हमारे देश में हर घर पर झंडा लगाने के लिए लोगों के पास घर ही नहीं है। आपने कहा ये सरकार गरीब लोगों की सरकार, मोदी जी तो कहते हैं मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ। देखिए मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके कहने पे जाइएगा तो अभी किस किस सवाल का जवाब दीजिएगा। कभी वो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं मजदूर नंबर 1 हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर वो ये सारी चीजों में से कोई एक भी चीज होते तो वो उन नीतियों को नहीं लागू करते जिनसे आज गरीबों की हालत और बद से बदतर हो गई है। चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो झुग्गी तोड़ना हो, चाहे वो तमाम तरह के मजदूर विरोधी फैसले पार्लियामेंट में करना हो। तो आप गरीब होने का नाटक कीजिए, लेकिन आप गरीबों के हमदर्द तो नहीं है। आप हमदर्द हैं अडानी के, अंबानी के, उन तमाम लोगों के जो लोग इस देश के चंद पूंजीपति हैं। कई हजार लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई, लेकिन मीडिया में ये खबर नहीं है। देखिए आज यहाँ पर कई सारे मीडिया के साथी मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस सवाल को कवर करेंगे और दिखाएंगे भी। दिल्ली के अंदर अभी आज के समय में ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हजारों की तादाद में एक बड़ी संख्या है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, कई सारी गर्भवती महिलाएं हैं। तो लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं और किसी तरीके से मिट्टी और लकड़ी से जला करके खाना बना रहे हैं, इस हालत में लोग हैं, है ना। तो सवाल ये है कि इस सवाल को देश के आम जनता का सवाल मीडिया एक प्रमुख सवाल के रूप में उठाए, ये हमारी अपील है। और जो भी मीडिया के साथ यहाँ पर उपस्थित है, सोशल मीडिया मौजूद है लेकिन मुख्य धारा की मीडिया नजर नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें जी न्यूज जैसे न्यूज हो गए या जी टीवी जैसे हो गए या फिर आज तक जैसे हो गए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? वो तो खुद ही एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के स्पोक पर्सन बन करके काम कर रहे हैं। सच दिखलाने के बजाय वो दिखलाते हैं जो सरकार चाहती है या जो तमाम नेता चाहते हैं। तो
उनके बारे में मैं क्या कहूँ, यही कह सकती हूँ कि एक अल्टरनेटिव मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो तमाम छोटी छोटी मीडियाज जो इन सवालों को उठा रही हैं, हमें उसको अधिक से अधिक सर्कुलेट करना होगा, उस आवाज को उठाना होगा। लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं वाले, अब तो ये परेशान है, लेकिन जब वोट देते हैं तब ये लोग बहक जाते हैं, देखिए अपने मुद्दे नहीं उठाते हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग अपने मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये कहना गलत होगा कि लोग अपने मुद्दे, क्योंकि चुनाव में जब वोट मांगा जाता है तो चुनाव में वोट तो ये कह करके नहीं माना जाता कि हम आपकी झुग्गी उजाड़ करके मॉल बना देंगे, है ना। चुनाव में तो ये नारा दिया जाता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, चुनाव में तो ये नारा दिया जाता है कि हर घर मकान, और लोग अपने मुद्दों पर वोट करते हैं। ये जवाब मुझे लगता है कि सरकार की ज्यादा है कि जिन मुद्दों पर, जो उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में होता है, वो चुनाव जीतने के बाद लागू क्यों नहीं होता। गरीब तो अपने मुद्दे पर ही वोट देता है, लोगों ने जहां झुग्गी वहां मकान के मुद्दे पर ही वोट किया होगा, लेकिन सवाल ये है कि मकान तो लोगों को नहीं, आवाम की समस्याओं पे क्यों नहीं बात होती देश में, क्यों हिंदू मुस्लिम पे बात होती है। देखिए ये सवाल तो मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा मोदी जी से पूछना चाहिए या फिर भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें शायद कुछ लोग हिंदू भी होंगे, कुछ लोग मुसलमान भी होंगे, लोग अलग अलग जाति के भी होंगे, और देश के इन तमाम रंगों से आने वाले लोग आज एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। और क्यों इकट्ठा हुए हैं लोग, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ये सवाल हमारे देश के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो जिस भी जाति से आते हो, वो देश के जिस भी इलाकों से आते हो, आपको पता होगा कई अन्य राज्यों से लोग आए हैं, तो ये सवाल जो है देश में लोकतंत्र बचाने का सवाल है, ये सवाल इस बात का है कि हमारे देश का विकास का मॉडल कैसा होगा, उसमें गरीबों के लिए कोई जगह होगी कि नहीं। तो ये हिंदू मुसलमान का काम करना तो हमारे देश के सरकारों का काम है, हमारे देश के आम लोग और सबसे गरीब वर्ग जिनके पास शायद रहने के लिए सर नहीं है, है ना। देखिए ये सवाल तो आप सरकार से पूछिए, हम तो यही जानते हैं कि सरकार जो है वो गरीब विरोधी सरकार है, उसने एक के बाद एक जितने भी फैसले लिए हैं वो गरीबों के खिलाफ ही लिए हैं, और आज ये तमाम लोग इकट्ठा होकर के यही मैसेज देने आए हैं कि आप हमको धर्म और जाति के नाम पर बांटने की जितनी राजनीति करनी है कीजिए, हम इकट्ठा होंगे इस संसद मार्ग पर और हम अपना सवाल सवाल ये बिल्डोजर राज आपको नहीं लगता ये बड़ा खतरा है? जी बिल्कुल है, ये तो मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। आज के समय में लोकतंत्र का प्रतीक जहाँ पर इस ये होना चाहिए कि लोगों को बेहतर शिक्षा, आवास मिले, साफ पानी मिले, वहाँ हमारी सरकार जो है बुलडोजर के रूप में प्रतीक बन गई है, और जगह जगह रातों रात नोटिस ला करके बुलडोजर उगाए से लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा, ये तो हमारे संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। वो देश के आजादी के 75 साल बाद अगर आज लोग बेघर है, मुझे लगता है कि इस चीज के लिए तो भरत सिंह ने शहादत नहीं दी थी, ये तो गांधी का सपना नहीं था। तो ये सरकार उस सपने के ऊपर भी बुलडोजर चला रही है जो हमारे देश के शहीद शहीदों ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा।